Good morning dear students, I am Ekta Patel from Capital Modern School. Mitro, आज हम स्टैंडर्ड वन में सब्जेक्ट गुजराती इसमें पार्ट टू में व्यंजन में त ध और ड उसकी हम आज पढ़ाई करेंगे। तो मित्रों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 निकालना है। तो व्यंजन कौन सा है? तो ट ट टमेटा नो ट, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? टोमेटो, टी ओ एम ए टी ओ। ट थी लावे टपाल टपाली, लावे खबर ए न्यारी, टपाली यानी कि पोस्टमैन, पी ओ एस टी एम ए एन। तो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको मेरे साथ ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो यहाँ पहले आपको जितनी डॉट डॉट रेखा दी गई है उतना ही आपको ट्रेस करना है। इस तरह आपको मेरे साथ ट्रेस करना है। तो जितनी रेखा दी गई है उतना ही आपको मेरे साथ करना है। तो इस तरह सभी रेखाओं को आपको ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो इस तरह ये सभी रेखाओं को ट्रेस करना है तो क्या बनेगा? ट। और नीचे वाली जो ब्लैंक जगह दी गई है उसमें आपको खुद से लिखना है। इस तरह आपको खुद से लिखना है। इस तरह आपको सभी ट को लिखना है। और नीचे भी लाइन में सेम आपको इस तरह त लिखना है। वाँचो अने ट नी नीचे लीटी दोरो। त रीड एंड अंडरलाइन डी ट। तो यहाँ शब्द दिए गए, तो पहले आपको मेरे साथ शब्द बोलना है। टच टच, टट्टार टट्टार, टपकू टपकू, टप 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 टप, टक्कर टक्कर। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको ट को ढूंढना है। तो यहाँ ट है उसमें ढूंढिए ट, तो यहाँ ट है तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। इसमें कहाँ है ट? टपकू, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। टप टप तो कहाँ है? तो यहाँ है, तो आपको यहाँ दो जगह पे अंडरलाइन करनी है। टक्कर तो कहाँ है? तो यहाँ, तो आपको यहाँ अंडरलाइन करनी है। अब नेक्स्ट बोलो घूटो अने लखो। तो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको मेरे साथ ट्रेस करना है। बोलना है ट ट ट। इस तरह आपको ये सभी लाइनों में करना है। नीचे भी लाइन में भी सेम आपको इस तरह जो डॉट डॉट वाली रेखा दी है उसमें आपको घुटना है यानी कि ट्रेस करना है। तो इस तरह आपको सभी डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको ट्रेस करना है। और नीचे जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको खुद से लिखना है। इस तरह आपको लिखना है। सेम इस तरह आपको लिखना है। अब देखते हैं ठ। थ ठड़ियो यानी कि थ ठड़ियानो ठ शीद एस डबल ई डी। ठ थी ठड़ियो रहे फड़मा, परिवर्तन थाय तेनू छोड़मा। तो मित्रों यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको पहले मेरे साथ ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। इस तरह आपको मेरे साथ ट्रेस करना है। इस तरह आपको मेरे साथ ठ को ट्रेस करना है। जितनी रेखा दी गई है उतना ही आपको ट्रेस करना है।
और नीचे नीचे आपको खुद से थ लिखना है। इस तरह आपको ठ को लिखना है। वाँचो और ठ ने नीचे लीटी डोरो। रीड एंड अंडरलाइन धी थ। तो यहाँ शब्द आपको पहले मेरे साथ बोलना है। ठप ठप ठस ठस ठराव ठराव ठपको ठपको ठक 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 ठक। तो पहला शब्द है थप, तो उसमें आपको ठ को ढूंढना है और अंडरलाइन करनी है, तो यहाँ थ है। दूसरा है ठस, तो यहाँ ठ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। ठहराव, तो यहाँ थ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। ठपको, तो यहाँ थ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। ठक ठक, तो यहाँ आपको थ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 28। बोलो भूत अने लखो। तो जो डॉट डॉट वाली रेखा दिख गई है उसमें आपको मेरे साथ पहले ट्रेस करना है। थ बोलना भी है और ट्रेस भी करना है। थ थ थ थ। अब नेक्स्ट नीचे थ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो इस तरह आपको ये सभी थ पे ट्रेस करना है, तो क्या बनेगा? थ। और यहाँ जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको खुद से लिखना है, तो इस तरह आपको मेरे साथ लिखना है। इस तरह आपको मेरे साथ थ लिखना है। सभी बॉक्स में ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको मेरे साथ इस तरह थ को लिखना है। इस तरह सभी थ को आपको खुद से लिखना है। अब आपको ये थ में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ड। ड डमरू नो ड डी ए एम आर यू। ड ठी डमरू वागे डम डम मारी ढींगली नाचे छम छम। डॉल्फिन डी ओ एल पी एच आई एन। तो यहाँ डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको पहले मेरे साथ ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो पहले इतना कीजिए, बाद में इतना कीजिए, ट्रेस बाद में पूरा कीजिए, तो क्या बनेगा? ड। यहाँ डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको पहले मेरे साथ ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो इस तरह इस द सभी ट्रेस करना है, तो क्या बनेगा? ड। और नीचे की लाइन में खुद से लिखना है। इस तरह नीचे की लाइन में आपको खुद से लिखना है। नीचे की लाइन में भी सेम वैसे ही आपको लिखना है। वाँचो अने ड ने नीचे लीटी डोरो। तो रीड एन अंडरलाइन डी ड। पहले तो आपको ये शब्द मेरे साथ बोलना है। ड ग ड ग ड फ ड फ ड र ड र ड ग र ड ग र डम 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 डम। अब हमें इस शब्द में ड को ढूंढना है, तो पहला ड ग, उसमें ड कहाँ है? यहाँ है, तो आपको यहाँ अंडरलाइन करनी है। ड फ, तो इसमें कहाँ है? ड यहाँ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। ड र, तो इसमें कहाँ है? ड यहाँ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। ड ग र, तो इसमें कहाँ है? ड यहाँ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। डम डम, तो कहाँ है? ड यहाँ है, तो यहाँ आपको अंडरलाइन करनी है। तो मित्रों आपको ड ठ और ड इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको होमवर्क में ये सभी जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको घर से लिखना है, और गुजराती की नोटबुक में भी आपको ट ठ और ड ये लिखना है। पीछे देखते हैं ड। बोलो घूटो ने लखो। तो आपको बोलना भी है और लिखना भी है और ट्रेस करना है। ड ड इस तरह आपको सभी ड को ट्रेस करना है।
जितनी डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको मेरे साथ ये ट्रेस करना है। नीचे की लाइन में देखिए, ये सभी डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसमें आपको मेरे साथ ट्रेस करना है। द नीचे ब्लैंक वाली जगह पे आपको खुद से द लिखना है। इस तरह आपको खुद से द लिखना है। तो मित्रों आपको ट थ और द में समझ में आ गया होगा, तो आपको होमवर्क में ट थ ड घर से नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। तो थैंक यू।